कुछ आया। तो दोस्तों यही है मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद वीडियो नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इमारती चौहान का इधर लाश जलाया जा रहा है, जो कि दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए। अभी कल इमारती चौहान जिंदा थी, अभी इस टाइम उनका लाश जलाया जा रहा है, आप लोग लाइव देख सकते हैं दोस्तों। और मालती चौहान के साथ गलत हुआ, अभी आप लोग क्या करें, इधर उनका लाश आ गया, जो कि दोस्तों पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम से इधर डायरेक्ट ला के इधर लाश को जलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी भीड़ लगा था यहां पर दोस्तों। अभी देख सकते हैं आप लोग को मैं लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूं, मालती चौहान का लाश इधर जलाया जा रहा है। तो मालती चौहान के साथ तो गलत हुआ ही हुआ है, अब उनको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, उनके घर वाले सब रो रो के परेशान हो गए हैं, उनका बच्चा भी रो रो के काफ़ी परेशान हुआ है। और यहाँ तक की ज़िंदगी थी मालती चौहान की, जो कि अभी उनका ज़िंदगी ख़त्म हो चुका है। और आप लोगों को क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये तो गलत हुआ जो भी हुआ। मैं तो यही चाहूँगा कि मालती चौहान की आत्मा को शांति मिले, और सबसे कहूँगा कि कोई भी लड़की इस तरीके का कदम ना उठाए, उल्टा सीधा कदम ना उठाए कि फांसी लगा ले, जहर खा ले, करंट छू ले, इस तरीके का काम ना करें। जो भी अपने घर में सुलझाएं, कोई बात बाहर मत फैलाएं। तो आप लोगों के बीच में देख सकते हैं दोस्तों ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर लाइव मालती चौहान का लाश जलाया जा रहा है। और आप लोगों को क्या बोलूं, और मेरा अगला वीडियो आएगा दोस्तों बहुत जल्द, मैं मालती चौहान के घर जाऊंगा।